नमाज पढ़ने के बाद अभी तो अपने वो क्या है उसको कहते हैं फ्योरिया वगैरह खाई है डी एंड लोडेड फ्राइज आई थिंक दैट्स इनफ। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हाफिज जहा शाहिद खान। सबसे पहले आपको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद उल फितर की खुशियां आपको, आपके घर वालों को, आपके चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी ईदें आएँ आप उनको इसी तरह सेलिब्रेट करें खुशी के साथ। तो आज ही हमारा फर्स्ट व्लॉग है, फर्स्ट व्लॉग आज हम अपना शूट कर रहे हैं। और उसको कहते हैं ना कि बड़ी कोशिश के साथ, बड़ी एबिलिटी के साथ कोई काम का स्टार्ट किया जाता है। हर बंदे के जहन में होता है कि यार पता नहीं क्या होगा, क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ा बहुत लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी होता है कि पता नहीं क्या होगा, क्या करते हैं। तो हमने सोचा हुआ था कि चलें ईद के दिन से ही आज हम अपने व्लॉग का स्टार्ट करेंगे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपना फर्स्ट व्लॉग हम शूट कर रहे हैं। तो आज क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कहाँ जाएंगे और क्या आज के दिन में हम उल्टी सीधी हरकतें करेंगे, वो इंशाल्लाह आज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो फिर देखते हैं कि आज का व्लॉग कैसा होता है। तो आइए जी, सबसे पहले आपको मिलवाते हैं अपने बड़े भाई जान से और हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुबशिर भाई, वो भी हमारे साथ हैं। तो आपको उनसे मिलवाते हैं और उनसे भी जानते हैं कि अभी उनका ईद का डे स्टार्ट हुआ है। अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ के आए हैं, तो उनसे भी पूछते हैं कि उनका डे कैसा स्टार्ट हुआ और आज के डे के क्या क्या प्लान्स हैं उनके। हाँ जी भाईजान, क्या हाल हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाए। सबसे पहले तो आपकी ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। जो लोग देख रहे हैं इनको भी ईद मुबारक। नहीं हाँ जी, सबको देखना नहीं है, ईदी भी देनी है हमें। आप बड़े हैं, आपने ईदी देनी है भाई। नहीं, नहीं, जो छोटे भी देख रहे हैं, कोई बड़े भी देख रहे हैं, जारी बात है जो बड़े देख रहे हैं वो तो ईदी देंगे। पहली फुर्सत में निकल। अच्छा भाई, आज के डे के क्या प्लान्स हैं, कैसा गुजर रहा है ईद का दिन? नमाज पढ़ के आए हैं, नमाज पढ़ने के बाद अभी तो अपने वो क्या है उसको कहते हैं फ्योरिया वगैरह खाई है। अच्छा, उसके बाद अब ये कि ईदी की जो है वो प्लानिंग है कि ईदी किस किस से इकट्ठी करनी है। पापा ने तो दे दिया, बाकियों का प्लान अब देखे किससे मिलती है। यार हमारे साथ मुबशिर भाई है ना, मुबशिर भाई से लेते हैं। मुबशिर भाई क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक, आप सुनाएं। सर ईदी किधर है हमारी? ईदी आप मुझे दे, आप मेरे से बड़े हैं। पहली फुर्सत में निकल। और भाई इस तरह नहीं होता, आजकल छोटे ईदी देते हैं। जेबें चेक करेंगे हाँ, ये ऐसे कर ले, ऐसे कर ले भाई, ऐसे कर। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे कर ले भाई इसकी जेबें। नहीं ऐसे नहीं होगा, सॉरी करनी पड़े, सॉरी भाई ऐसे नहीं होगा। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। आप मुझे ईदी दे, आप बड़े हैं। चलो आपको ईदी देते हैं, स्टार्ट आपसे करते हैं। आपको सबसे पहले ईदी देते हैं, मुझे ईदी मिलने लगी है। ले भैया ये देखिए, ये बहुत ज्यादा, ये पहले इसमें से भी आपने 5 रुपए पकाए थे। नहीं यार देखो भाई, हर बंदे का हक है ईदी लेना भी और ईदी देना भी। तो हम आपको भी ईदी देते हैं और आप भी हमें ईदी देना, फिर इस तरह तो ना करें। नहीं, हम आपको ईदी दे रहे हैं, देख ले भाई ने आपको 10 रुपए दिए हैं। ए मेरे पास अभी टूटे नहीं ना 5 रुपए। यार इसमें तो वीक जो देना दे सकते हो यार, भाई आपकी जेब में जितने पैसे हैं। नहीं मेरे पास सिर्फ मोबाइल है। चलो कुछ भी दे दो। नहीं वो मोबाइल मैं भी दे सकता, सॉरी। चलो यार कोई बात नहीं, खुश रहो इसी तरह ही, इतनी खुशियाँ मनाते रहो। इंशाल्लाह माशाल्लाह हबीबी, हम तो दुबई आ गया है, दुबई आ गया है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। हेलो भाई क्या हाल है? ठीक आप सुनाएं सर। ये जी मुदस्सिर जी हैं, मुदस्सिर और पुचूदा जी। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक आप सुनाएं। ईदी नमाज भी पढ़ी है या एनजी बस? नहीं वो रास्ते में फ्लाइट पे थे तो लेट हो गया, नमाज नहीं पढ़ सके। अच्छा कैसा गुजर रहा है ईद का दिन भाई? बस अब सोने की तैयारी है। आज के क्या प्लान था, बस सोना ही है कि कुछ और भी? सोना ही है। चल जी भाई क्या हुआ है? भाई मुझे बचा दो, बचा लो मुझे, मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया। कौन पड़ गया है? वो जो कुत्ता बैठा हुआ है, वो जो बाइक वाले आए थे उनके पीछे भाग गया, किसी बच्चे ने छल्ला मारा उनको, कुत्ते को, तो पीछे पड़ गया था। A few moments later. 1 minute 37 seconds later. 1 hour later. 2000 years later. टाइम हो गया है जनाब, देख लें 7 बज गए हैं और अभी हम खैर से 7 बजे सो के उठे हैं।
ये है कि आपको पता है कि नौजवानों के लिए तो ईद यही है कि हम खैर से सुबह नमाज पढ़ते हैं और क्या उसको कहते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। तो नाश्ते की वीडियो मैं नहीं बना सका कि नींद काफ़ी आई हुई थी, इसलिए खा पी के सो गए। तो हमारे यूनिवर्सिटी फेलो हैं और क्लास फेलो भी हैं दानिश साहब, और बड़े आदमी हैं, उनको क्या कह सकते हैं। उन्होंने सुबह का नारा लगाया हुआ कि जी अभी कहीं चलते हैं, अभी कहीं चलते हैं। तो अभी खैर से अब 7 बजे वो पहुँच रहे हैं ईद के पहले दिन, तो मेरा ख्याल है घर के बाहर पहुँच चुके हैं वो। तो चलते हैं अब उनके साथ भी, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। जी दानिश साहब खैर से पहुंच गए हैं और काफ़ी इंतज़ार के बाद माशाल्लाह अल्लाह पाक इनको जन्नत नसीब करे। सर 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 ईद मुबारक सर, कैसे हैं सर? मैं ठीक, आप सुनाएं सर। चले जी मिल लिए हमने, अब हम चलते हैं कुछ खाने पीने और देखते हैं क्या करना है। सफर की दुआ। दानिश साहब तो माशाल्लाह आए हैं बहुत ही जल्दी। सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ लीजिए। हाँ जी, आमीन नहीं है सफर की दुआ, सफर की दुआ कुछ और भी होती है। मैंने पढ़ ली है ना यार। चलें जी बिस्मिल्लाह, सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ लेते हैं। सुभानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनकलिबून, आमीन। सफर का आगाज जी यहाँ पे हमारा हो चुका है और दानिश साहब आए हैं माशाल्लाह। इससे कल खिलाना तो बनता है। कल परसों से दानिश भाई ने मुझे तंग किया हुआ है कि भाई तूने कुछ नहीं खाना, मैं आऊंगा मैं तुझे खिला। झूठ बोल रहे, मैं मैसेज लिखो। इसने मुझे कहा कि कुछ ना खा के, सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया, अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता इसी करने है सिर्फ। पहली फुर्सत में निकल यार। देखो इस टाइम नाश्ता तो नहीं होता, इस टाइम कुछ खाना पीना हो सकता है, और वो आपने मुझे कहा हुआ कि मैं खिलाऊंगा, तो फिर अब ये यार देखो व्लॉग इसके है, अभी खिलाना तो इसका बनता है ना, बात खत्म। यार देख अभी तो भाई मैं फर्स्ट व्लॉग कर रहा हूँ, ये तो तेरा खिलाना बनता है। अगर तुम दोस्तों पे खर्च करोगे तो अल्लाह बरकत यार ये दोस्तों को चाहिए भाई कि दोस्तों की हेल्प करें। देख मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तुझे चाहिए यहाँ से पहले। हाँ तस्वीर ले लेते हैं, घर से निकले हैं। इसने मुझे कहा था आओ मैं कुछ खिलाता हूँ, अब कह रहे जगह ही नहीं पता और आगे से पैसे मांग रहे। घर आए मेहमान को ऐसे करना था भाई, आपको नहीं पता कितना सख्त होना है। तस्बीह लेने के लिए आप रुके हो, तस्बीह दुकान, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना कौन सी तस्बीह, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। दानिश यार चल लेके चल यार, अब बिस्तरा ना कर यार, कल का कुछ नहीं खाया यार, कल का कुछ नहीं खाया यार। चलो यार, चलो गिट गई ले लो। नहीं यार आजो आजो आजो। करने के बाद हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन हमारी डिसाइड हुई थी वो हुई थी कड़क खेल। तो रास्ते में आते हुए हमने ये दानिश भाई के दोस्त सारी देर देखे। हेलो, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो सर, क्या हाल है आपके? ठीक है। मौजम भाई को रास्ते में से लिया और फाइनली अब हम आके कड़क खेल पहुँच चुके हैं। तो आए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि आज ईद के हवाले से यहाँ पे क्या सीन है। ले जी अंदर तो पहुंच गए हैं, लेकिन फिर लाल ईद के हवाले से तो यहाँ पे बड़े ऑफ सीन चल रहे हैं मेरे पीछे, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, कुछ थोड़े बहुत टेबल पे ही कुछ लोग बैठे हुए हैं। दानिश साहब यहाँ पे बैठे हैं, आप डिसाइड कर रहे हैं कि क्या मंगवाना है, और मैंने दानिश भाई को कहा यार ज़्यादा खर्चा नहीं करना यार, तेरी मेहरबानी, कोई बात नहीं, ईद है यार तेरी भी। तो ये तो वैसे दो दो ईदें मनाता है, छोटी ईद बड़ी ईद नहीं, 25 दिसंबर वाली। ईस्टर अभी थोड़े दिनों पहले भाई का ईस्टर गुजरा है यार, सर आपको उसके लिए भी कंग्रेचुलेशन किया। तो अब क्या मंगवा रहे हैं आप बताएं? जो आपकी सिफारिश है, लोडेड फ्राइज और साथ चाय। क्या? टी एंड लोडेड फ्राइज, आई थिंक दैट्स इनफ। यू सीरियस? फाइनली जी ऑर्डर अभी हमने अपना दे दिया है, तो उन्होंने हमें कहा कि जी 20 मिनट्स के अंदर इंशाल्लाह आपका ऑर्डर आ जाएगा, तो तब तक आप फिर बी रोल्स एंजॉय करें।
हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है और अपने टाइम से पहले ही तकरीबन पहुँच चुका है, तो अब इसको खाते हैं, देखते हैं किस तरह का टेस्ट है यहाँ का, फिर आपको बताते हैं। यार मजे का यार, यार जब आप खाना सामने पड़ा हो और दानी साहब अपना भी लोग कर रहे हैं तो ये होता है कि आप से वेट ही करते हैं। व्यू लेने लगे हैं भाईजान से, तो ये भाईजान के मुंह में गया। हाँ जी इधर है भाई, बारी ले रहे हैं जी अब दानिश साहब। इनका मुझे हमेशा एवरेज लगता है। एवरेज लगता है क्यों, इसकी क्या वजह है? अब ठीक है, अच्छा है, पहली फुर्सत में निकल, पर आउट ऑफ द वर्ल्ड की चीज है। 2000 years later. जी जनाब कड़क खेल की अब ये स्पेशल वाली चाय आ गई है मटके में, अब देखते हैं कि इसका क्या टेस्ट है। वैसे तो दानिश भाई कह रहे हैं कि मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ मुझे इनका खाना और सारा कुछ एवरेज ही लगा है, तो दानिश साहब इसके हवाले से क्या रिव्यू, पहले पिया आपने कि नहीं पिया? यार ये वाली नहीं पी, कड़क पिया, कड़क पिया। चलें जी अब ये वाली भी पी के देखते हैं, इसका भी रिव्यू आपको देते हैं कि ये कैसी है। नाउ वी आर टेस्टिंग एंड टेस्टिंग द स्पेशलिटी। बस ठीक है। Are you serious? कड़क खेल में काफ़ी देर बैठे रहे, जैसा कि आपको हमने दिखाया कि खाना पीना तो हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत कर लिया था, लेकिन उसके बाद दिल कर रहा था कि कोई पिज़्ज़ा वगैरह खाया जाए, तो हम निकले हैं वहाँ से, तो बाहर काफ़ी कुछ देखा है लेकिन वहाँ पे रश काफ़ी था, तो क्योंकि दानिश भाई अब हमें डील खिला रहे थे तो हमारा बनता था ना कि खा के घर जाए। तो अभी हम आ गए हैं जी OPTV में, यहाँ पे आके हमें एक फैमिली डील काफ़ी अच्छी मिली है, तो अभी वो ऑर्डर किया आती है, फिर दिखाते हैं आपको कि वो कैसी है। जी डील हमारी आ चुकी है और सामने बैठे हुए हैं दानिश भाई, और मुझे आज दानिश भाई बड़े प्यारे लग रहे हैं। दानिश भाई थैंक यू सो मच इस डील के लिए। वैसे आपको कहते हो अभी शर्म नहीं आ रही, लेकिन चले कोई बात नहीं, चले आप इसको ट्राई करते हैं कैसी है। यहाँ पर जी दानिश साहब ड्रिंक डाल रहे हैं हमारे लिए और अब ये हमें सर्व भी करेंगे, क्यों दानिश भाई? जो जब खिला मैं रहा हूँ तो सर्व मैं करने से। अस्तग़फ़िरुल्लाह। 1 minute 37 seconds later. सब कुछ ख़त्म कर लिया है, सामने दानिश साहब बैठे हैं, बड़े मुतमईन हो गए, सब कुछ खा के बैठ गए हैं और अब इन्होंने दुआ पढ़नी है खाने के काम की। दानिश साहब दुआ पढ़े, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शरीफ ने एक बच्चा। तो इसी के साथ ही जी आज का हमारा व्लॉग जो है ये ख़त्म होता है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी हम लेके आएंगे, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट व्लॉग था और कोशिश की है कि आज के ईद के दिन के हवाले से आपको ज़रूर दिखा सकें हम अपना सब कुछ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग भी हम लेके आते रहेंगे। आपने इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपका व्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़।